पढ़ेंगे, इससे कम में किसी का काम नहीं चला, 4 से कम जो करेगा उसकी उपासना अनर्थक चल गई। कौन कौन से बताइए बेटे? यूनिमा संकल्प में छपा है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। चारों चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें से एक को भी आप त्याग नहीं सकते, एक को भी नहीं त्याग सकते, और एक अकेली को इसमें से कोई लेना चाहे तो आप बढ़ने चाहिए। हम भजन करेंगे उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। भजन से आपका उद्धार, भजन से उद्धार आपका नहीं हो सकता। भजन के बारे में एक दिन मेरी निष्ठा इस कदर डगमगा गई थी कि मैं नास्तिक हो गया होता। तब आप नास्तिक होने के थे बेटी, जब मैं मेरे गुरु ने एक साल के लिए पिछली बार हिमालय बुलाया था, तब मुझे उन्होंने 4 दिन अपने पास रखा और उसके बाद में एक साल के लिए गंगोत्री मुझे भेज दिया, जहाँ भागीरथ ने तप किया था वहाँ भेज दिया मुझे। मुझे भेज दिया भागीरथ शराब पर बैठ करके मैं पुनर्स्थान करता था, और रात्रि को एक स्वामी जी थे, स्वामी कृष्णनाथ समाप्त देहांत हो गया था, मालवीय जी के हिंदू विश्वविद्यालय की शिला रखने के लिए वही रात आए थे, और रात पत्थर रख करके रात चले गए थे कि नंगे रहते थे वो। उनके बारे में ये कहा जाता था जब बर्फ जमती थी तब वो जम जाते, जब बर्फ़ पिघलती थी तब वो उठ खड़े हो जाते थे, उनके बारे में कहा जाता है। उनकी उम्र भी थी जब हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास हुआ, 80 वर्ष के करीब होने को आए, तभी भी वो जवान थे। और लोगों ने बताया इस समय जब उनकी मृत्यु हुई है 2 वर्ष पहले, तब उनकी उम्र दो सौ से कम नहीं थी। बड़े समृद्ध महात्मा थे। उनके यहाँ मुझे रात को रखा गया। वहाँ मैंने एक बात देखी, एक घटना ऐसी देखी जिससे कि पागल होते होते बचा और मैं नास्तिक होते होते बचा। गंगोत्री में जहाँ मैं रहता था उस वहाँ बाकी महात्मा तो ऐसे थे जो गर्मी के दिनों में आते थे और बाकी चले जाते थे। तब वहाँ जमती थी बर्फ, हमेशा बर्फ जमी रहती थी 4 महीने। बद्रीनाथ में भी भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और भगवान को बंद करके लोग चले जाते हैं और ठंड पड़ती है। गंगोत्री में भी ऐसा होता है। गंगोत्री में से गंगा जी की मूर्ति को उठा करके वहाँ से 23 मील दूर एक गाँव है, नाम भूल गया उस वक्त, वहाँ कंधे पर रख करके उस मूर्ति को ले जाते हैं, गाँव में ले जाते हैं और वहीं पूजा सेवा करते हैं, और जब बर्फ पिघल जाती है तब उस मूर्ति को कंधे पर रख के लाते हैं, फिर उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। वो ले आते हैं बद्रीनाथ, वहीं से बंद रहते हैं, गंगोत्री ले आते हैं, पर वैराग्य कोई रह नहीं सकता। वहाँ रहने के लिए थोड़े से महात्मा रह जाते थे वहाँ। जब मैं था, मुझे 1 साल के लिए रखा गया था, तो मुझे तो ठहरना ही था, गुरु की आज्ञा का मैं कैसे उल्लंघन करता, मुझे उसी साल रहना पड़ा गंगोत्री में। वहाँ 2 महात्मा ऐसे थे कि जाड़े के दिनों में कपड़ा नहीं पहनते, बाकी महीनों में तो नहीं पहनते थे, उस समय भी नहीं पहनते, एक विशेष। और उनकी एक और विशेषता थी कि वो 2 महात्मा जिनके बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ, दोनों ही महात्मा मौन रहते थे, बोलते नहीं, नंगे रहते थे, एक मौन रहते थे, 2 प्रातःकाल होकर गंगा जी में स्नान करते थे, 3 और भगवान का ही जप करते रहते थे, भेद करते थे, दूसरा कुछ काम नहीं था। जब कभी हम उनकी गुफा में गए और देखने के लिए झोंपड़ी में गए तो हमेशा हमको भेद करते मिले, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, घूमते देखा हो या हंसते देखा हो या टहलते देखा हो उनको, जब भी हम सहयोग नहीं रहा होगा वहीं से, हम जब गए तो हमने उनको भेद करते देखा। दोनों महात्माओं का मैं दर्शन करने जाया करता था, जब भी थोड़ी सी टाइम फुर्सत मिलता तब मैं दोनों के दर्शन कर लिया था, एक का नाम सीताराम, एक का नाम राधेश्याम रखा हुआ था। नाम क्या था बेटे मालूम नहीं, ये लोगों ने ऐसे ही नाम धरिए थे, हमने भी अपने गुरु का नाम रखा है, नाम पर हमने क्या क्या नाम है आप गुरु का बेटे मालूम नहीं, हम तो कहते रहते हैं ऐसे ही सर्वेश्वरानंद, सर्वेश्वर नाम है नहीं बेटे, नाम नहीं, हमने तो ऐसे बना लिया है जबरदस्ती का, ये नाम नहीं बेटे, ये नाम है कहा मालूम ही नहीं, कहना हमसे कभी आज तक बोले नहीं, हमने ये पूछा नहीं आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या क्या बिरादरी है, मालूम नहीं कौन लोग हैं, मालूम नहीं बेटे कौन लोग हैं, नाम हमें क्या पता चलता है। इस तरीके से 2 महात्मा को सीताराम और राधेश्याम कहते थे। उनकी विशेषता, उनकी विशेषता थी जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना हुई कि जब बर्फ पिघल गई तो वो लोग क्या करते थे, उन दोनों की झोंपड़ियों के बीच में मुश्किल से 3 जगह रही होगी जितना ये शांतिकुंज अगली वाली इमारत से लेकर के इतनी बीच में जगह थी, गवर्नमेंट की थी उनकी नहीं, उन्होंने झोंपड़ी बना रखी थी, मालिक थोड़ी थे गवर्नमेंट, इतनी बीच में वो क्या करते थे दोनों महात्मा, अपने 6 महीने के लिए गुजारा करने के लिए साग भाजी पैदा कर लेते थे उसी जमीन में, बैंगन कोई आलू कोई गोभी ऐसे लगा लेते थे, और वो 2 महीने में ही फसल आ जाती है, 2 महीने में। गंगोत्री की विशेषता, ना पानी लगाना पड़ता है, ना खाद देना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, 2 महीने में आप कोई चीज़ बो दीजिए 2 महीने फसल पक जाती है, चाहे गेहूँ बो दीजिए कुछ भी बो दीजिए तो फिर पड़ जाती है ठंड, सावन भादों के 2 महीने होते हैं उसी में बस फसल पैदा होती है, भगवान ने जाने क्या माया बना दी है। उन्होंने जिस साल में था उन्होंने अपनी अपनी भूमि में साग भाजी बोने के लिए निशान लगाए, क्योंकि हर साल बर्फ पड़ती थी, बर्फ से जो निशान थे वो तो बिगड़ जाते थे, मेड़ बनाने लगते थे, दोनों ने अपनी अपनी साग भाजी के लिए मेड़ लगा करके और साग भाजी लगाने का शुरू किया। अब झगड़ा इस बात पर पड़ गया कि वो महात्मा कहते थे मेरी जमीन यहाँ तक है, वो कहते थे मेरी जमीन यहाँ तक,
विश्वास हो गया। थोड़ी सा चक्कर था, मैं समझता हूँ दो पाँच फुट का झगड़ा रहा होगा। दो पाँच फुट में वो एक महात्मा आगे अपनी बताते थे, दूसरे महात्मा दो पाँच फुट कम बताते थे, इस बात का झगड़ा था। तो उन महात्मा को धीरे 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 क्या हुआ, पहले तो संकेत हुए इशारे किए थे जमीन वहाँ तक, जमीन वहाँ तक बोल बोलते तो नहीं थे, इशारे कर लिए। इशारे करने के बाद जब नहीं माना तो एक महात्मा ने दूसरे महात्मा की बोया हुआ साग भाजी बिगाड़ डाली, उसे से पैर से सबको उखाड़ के फेंक दिया। तो दूसरा महात्मा गया, उसने उसको फेंक दिया। दोनों में इतनी लड़ाई हुई, लड़ाई होते होते दो पाँच दिन में लड़ाई की सीमा कहा जा पहुँची। दोनों महात्माओं ने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था की और एक महात्मा ने दूसरे को जमीन पर गिरा दिया। गिरा कर से उसने गुस्से में उसकी दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी ऐसे जोर से खींची, सब दाढ़ी पूरी की पूरी बार उसने उखाड़ी, ऐसे जोर से खींची, खींच करके उसकी दाढ़ी में से खून निकलने लगा। महात्मा की खून निकल गया, पूरी दाढ़ी उसकी मुट्ठी में आ गई, खून निकल गया। ये घटना मैंने देखी, बस देख करके मतलब मैंने दुनिया में बहुत बहुत देखा है, और मैंने आदमी की खून खर्चा देखी, बड़े बड़े ऑपरेशन देखे, ऑपरेशन देखे, हत्याकांडों से मरते हुए आदमी देखे। और कलकत्ता गोलीकांड में जब के महामना मालवीय जी कलकत्ता कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ये मैं सन 34-35 की बात कर रहा हूँ, बड़ा बाजार चौराहे के ऊपर गोलियाँ चली, जैसे जलियावाला बाजार में चली गोलियाँ चली थी, गोलियों में 250-300 आदमी हमारे देखते देखते हमारे सामने मारे गए थे। मित्रों मैंने बहुत देखा, मेरा हृदय है बड़ा कोमल भी है और इन मामलों में बड़ा कठोर भी है। लाइन में आप भेज दीजिए मुझे, बराबर में चलेगा, बराबर में चलेगा, मुझे कोई डर लेने वाला नहीं।